कि लोकसभा चुनाव में यूपी में टिकट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बीजेपी नहीं देगी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट। ये एक बड़ी बात निकल के सामने आई है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी नहीं लगाएगी मुस्लिम चेहरे पर दांव। रायबरेली मैनपुरी सीट पर फिलहाल कोई नाम फाइनल नहीं है, इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व पर फैसला छोड़ दिया गया है। रायबरेली से किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है। मैनपुरी में ठाकुर चेहरे के साथ मैदान में उतर सकती है बीजेपी। अनूप गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, सूत्रों के हवाले से मिल रही है खबर कि उत्तर प्रदेश में किसी मुस्लिम चेहरे पर दांव नहीं लगाएगी बीजेपी। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों से जिस तरह से एक हमने ट्रेंड देखा है, जफर इस्लाम राज्यसभा सांसद होते थे, उन्हें रिपीट नहीं किया गया। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि बहुत बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, केंद्र में मंत्री थे, उन्हें भी राज्यसभा में रिपीट नहीं किया गया। तो ये कह सकते हैं कि इस ट्रेंड को आगे भी जारी रखा जाएगा। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शायद ही मुस्लिम चेहरे पर बीजेपी दांव लगाए। दूसरी बात, आपको सबसे बड़ी बात बता दूं जिसका जिक्र हम कर रहे थे, बीजेपी का पूरा फोकस है कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी को हराया गया, इस बार रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि संभावना है कि प्रियंका गांधी वहां से लड़ सकती हैं। तो बीजेपी की रणनीति है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली, इन दोनों सीटों से गांधी परिवार को किसी भी तरीके से हराना है। देखिए अमेठी सीट में स्मृति ईरानी को फिर से बीजेपी उतारेगी। रायबरेली में किसी कद्दावर नेता पर विचार किया जा रहा है कि किसे उतारा जाए, जो प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें वहां हराया जा सके। इसके अलावा मैनपुरी सीट बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर जाना जाता है, तो ऐसे में मैनपुरी में भी किसी कद्दावर नेता और वहाँ से जीत सके, यानी विनिंग कैंडिडेट को बीजेपी वहां उतारेगी। इसका अर्थ आस्था यह लगा सकते हैं कि बीजेपी 80 में से 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य बना चुकी है, और बीजेपी एक सीट पर भी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, और इसी बात का मंथन जो है वो लगातार बीजेपी की तरफ से चल रहा है। कई सीटों को फाइनल कर लिया गया, कई सीटों पर चर्चा जो है आगे आने वाले वक्त में किया जाएगा।